8 लाख प्लस फोर्सेस लगी हुई है और हम विगत 6 दिन से अपना न्यूज कवरेज कर रहे हैं। अब मैं न्यूज कवरेज के लिए अपने सहयोगी दीपक स्वारसद जी से कहूंगा, वो आए आगे। चंद्रमोहन दीक्षित जी ने अभी तक आपको यहाँ के बारे में बताया, अब आपके सामने मैं दीपक सारस्वत। देखिए, हम पहलगांव के चंदनवाड़ी में हैं और ये चंदनवाड़ी क्षेत्र जो है यहाँ से अमरनाथ यात्रा भी चलती है। यहाँ बेस कैंप है, यहाँ भंडारे वगैरह लगाए जाते हैं और ये अमरनाथ यात्रा का जो बेस कैंप है, इसके बाद यहाँ से तकरीबन 16 से 17 किलोमीटर पैदल यात्रा है और पैदल यात्रा कुछ बर्फ का इलाका है, कुछ पहाड़ों का इलाका है वैसे है, और वाहन के जरिए 200 कुछ किलोमीटर की दूरी है यहाँ से। तो ये आप जो नज़ारा मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सारा का सारा बर्फीला इलाका है और स्नोफॉल भी यहाँ पर होती है और आज बारिश हो रही है तो मौसम वैसे भी सुहाना है और यहाँ पर्यटक काफ़ी संख्या में आते हैं और इस बर्फ़ का आनंद लेते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने अपने अपने सुझाव, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, वैसे ही अगर आपको वाकई स्वर्ग देखना है तो आप कश्मीर आइएगा। हिंदुस्तान का स्वर्ग है, इस भारत का ताज है कश्मीर और उस ताज में 4 चांद लगाता है ये माहौल। अब आप यहाँ देख रहे होंगे चारों तरफ बेहतरीन नज़ारे हैं, देखने लायक हैं। यहाँ फैमिली के साथ आइए आप लोग और यहाँ के पर्यटन में बढ़ावा भी दीजिए, क्योंकि देखिए आप लोगों के यहाँ पर आने से यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जब रोजगार होता है तो लोग व्यस्त होते हैं और जब व्यस्त होते हैं तो आप भी जानते हैं कि जो थोड़ा बहुत इस जगह के बारे में प्रचलित है या लोगों की धारणा है तो वो भी दूर होंगी। ऐसा नहीं है कि सब लोग एक जैसे हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ का और आप सभी लोग एक बार जरूर आएं। और चंदनवाड़ी, आरू वैली, काफ़ी जगह हैं यहाँ पर घूमने के लिए। पहलगांव आइए, पहलगांव में भी काफ़ी जगह हैं, बहुत सुहानी जगह है, देखने लायक है। और इस क्षेत्र में आपके सलमान खान की एक मूवी आई थी बजरंगी भाईजान, उसकी भी मूवी की शूटिंग इस क्षेत्र में हुई थी, आपके पहलगांव में हुई थी, आरू वैली में हुई थी और चंदनवाड़ी में भी हुई थी और 2 वैली और है उधर भी हुई थी। तो ये कॉमन क्षेत्र है, बहुत बढ़िया क्षेत्र है, अच्छे क्षेत्र है। यहाँ पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए आप सबका सहयोग की जरूरत है, क्योंकि देखिए आप लोग आएंगे यहाँ पर्यटन बढ़ेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और जितना यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा उतनी आपके लिए फैसिलिटियाँ बढ़ेंगी, क्योंकि सरकार भी देखती है कि जहाँ से हमें रेवेन्यू आ रहा है वहाँ पर पैसा लगाने में सरकारें भी तत्पर रहती हैं, इंटरेस्ट दिखाती हैं। लेकिन जब कुछ क्षेत्र में है नहीं, सरकार को रेवेन्यू नहीं आएगा तो सरकारें भी ध्यान नहीं देती हैं और हम सरकार से भी निवेदन करेंगे कि आप इधर आएं और इधर के लोगों की जो समस्याएं उन्हें सुने और रोडों को और शगुन और बेहतरीन बनाएं। और इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, देखा हमारे सभी पत्रकार साथियों ने आपको तरह तरह की जानकारी दी और अभी हम चंद्रवाड़ी से लाइव हैं। आप मेरे आसपास देख रहे हैं पूरा बर्फ ही बर्फ है, आइस का माहौल है और सभी श्रद्धालु यहाँ पर बड़े आनंद ले रहे हैं, बड़ी दूर दूर से आए हैं। आपकी हमारे सहयोगी मिस्टर चंद्रमोहन दीक्षित जी ने उनसे बातें भी कराई और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं हमारी पूरी कवरेज आपको बहुत पसंद आई होगी। आपने घर बैठे हुए जम्मू कश्मीर श्रीनगर और इस चंदनवाड़ी का गुलमर्ग और सोनमर्ग का आनंद लिया होगा। तो आज हम अपनी कवरेज को अब यहीं विराम करते हैं इस वीडियो को। आगे यात्रा जारी रहेगी, आगे और भी हम आपको कवरेज देते रहेंगे। इसी के साथ मैं एसपी सिंह अपने सहयोगी चंद्रमोहन दीक्षित के साथ जम्मू कश्मीर श्रीनगर के पहलगांव की चंद्रवाड़ी से लाइव में समय, इसी के साथ नमस्कार।